हेलो व्यूवर्स, वेलकम ऑन यूट्यूब चैनल। सो आज की हमारी वीडियो है अपडेट वीडियो कि मैंने मुर्गियों के लिए क्या इंतज़ाम किए हैं या क्या प्रबंध किया है। गर्मियां भी आ गई हैं और क्या मैंने प्रबंध किया है। पहले मेरी वाइट वाली अंडा दे रही थी, ये वाली वीडियो जो है अपडेट वीडियो है, इसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या है। तो अभी मैं बता दूँ गर्मियों के लिए जो जो है मुर्गियाँ, ये इनका खोला मैंने खुड्डा अभी अभी माशाल्लाह दो अंडे पड़े हैं वहाँ पे, दो बाहर निकल जाएंगे। इधर से दिखा दूँ आपको, ये माशाल्लाह दो अंडे ये पड़े हैं इधर, इधर दो अंडे। इनका नेस्ट बॉक्स है, मैंने आपको पहले भी दिखाया था। माशाल्लाह दो अंडे देखो, साइज़ माशाल्लाह बिल्कुल बढ़िया साइज़, बिल्कुल ऐसा ये नहीं कह सकते कि अंडा जो है ना, अंडा होता है एक दागी अंडा जिसके ऊपर निशान से होते हैं, उससे भी ज़्यादा कैल्शियम की कमी होती है उसमें। इनमें ना कोई कैल्शियम की कमी, बिल्कुल अच्छे अंडे। अगर इनमें हैच कराऊंगा तो ज़रूर चूचे निकलेंगे, ज़रूर ये मैं दावा करता हूँ, इनमें से ज़रूर चूचे निकलेंगे, क्योंकि मुर्गे के साथ लगी है फर्टाइल एग्स हैं ये। सो ये अपडेट वीडियो है। तो मैंने गर्मियों के लिए इनके लिए क्या क्या इंतज़ाम किया है मैं आपको दिखाता हूँ। घर की छत पर मुर्गी पालन है, इसलिए मैं आपको सभी की सभी जो इन्फॉर्मेशन है वो इस वीडियो में देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, पूरी पूरी जो है कोशिश करूँगा। तो ये देखिए माशाल्लाह मुर्गियाँ अच्छे से बढ़ रही हैं। तो जो मेरे भाई पूछ रहे थे कि गर्मियों में इनके लिए क्या इंतज़ाम करें, तो उनके लिए ये वीडियो है कि गर्मियों में आप अपनी मुर्गियों को जो है क्या दें और क्या ना दें और इनके लिए क्या क्या इंतज़ाम करें। तो सबसे पहले आप क्या करें कि 24 घंटे इनके पास जो है वो पानी का इंतज़ाम रखें, क्योंकि पानी के लिए, क्योंकि पानी ये प्यास लगती रहती है मुर्गियों के, इसलिए 24 घंटे इनके लिए पानी का इंतज़ाम करें। सो ये एक है। दूसरा है कि जो मेरे भाई खुराक देते थे पहले, फीड वगैरह देते थे, वो अभी बंद कर दें, क्योंकि फीड जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है। गर्म फीड को अगर ये खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी और इनसे इनकी मोर्टैलिटी एंड मौत भी हो सकती है। इसलिए जो मेरे भाई इन्हें फीड वगैरह देते थे या अभी भी शायद दे रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि गर्मियों में फीड नहीं देनी चाहिए, इसलिए आप इनकी फीड है जो बंद कर दें, क्योंकि फीड के बहुत नुकसान हैं, इससे ये मर भी सकती हैं और इसके और भी नुकसान है। इससे क्या होगा, ये तो पहले ही गर्म होती हैं, ऊपर से और गर्म हो जाएंगी तो बीमार हो जाएंगी और इनकी मोर्टैलिटी यानी कि मौत भी हो सकती है। तो तीसरा स्टेप मेरा ये है कि जो आप इनके लिए करते थे कि मिट्टी वगैरह डालते थे अपने खुड्डे में, उसमें पानी का छिड़काव कर दें इस तरह। इससे क्या होगा, जो मिट्टी है, मिट्टी आपको पता है पानी से ठंडी हो जाती है, इससे जब ये नहाएंगी या इनमें इसमें खेलेंगी ना, तब ये खेलेंगी तो इनका जो शरीर का जो इनकी बॉडी का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सही रहेगा और मेंटेन रहेगा इनकी बॉडी का टेम्परेचर जब ये इसमें नहाएंगी, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और अभी तो मार्च चल रहा है, इसके बाद आगे और है, आगे और आएगा और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। तो इसलिए हम पहले ही इंतज़ाम करें और हफ्ते में एक बार इन्हें जो शक्कर का पानी होता है ना वो दे दिया करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इनकी जो गर्मी है वो अंदर से निकल जाएगी, पेट वगैरह साफ़ हो जाता है। हफ्ते में एक बार इन्हें पालक डाल दिया करें, इससे क्या होगा, इनका जो पेट है वो कीड़े वगैरह है वो मर जाते हैं और इनका जो जर्म्स वगैरह हैं, जर्म्स मारने के लिए आप इन्हें पालक दे दें, इनके अंदर बैक्टीरिया गंदे वाले होते हैं तो वो पालक से मर जाते हैं, एंटीबायोटिक होता है ना वो, इसलिए आप इन्हें पालक दें हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार ही इन्हें शक्कर का पानी और हफ्ते में एक बार इन्हें, अगर ये ज़्यादा गर्मी फील कर रही हैं, आपने पहले फीड दी थी, अब ये जो है ना चोंच खोल कर बैठती हैं, पर फैला कर बैठती हैं, इससे क्या लगता है, आपको पता लगता है कि ये गर्मी, इसे गर्मी लग रही है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके लिए करें कि इन्हें जो है हफ्ते में एक बार वीकासूल का कैप्सूल को खोल करना, जिसमें हम पानी वगैरह डालते हैं, इसमें जैसे हम इसमें पानी वगैरह डालते हैं ना, उसमें खोल कर इसमें डाल दें वीकासूल का कैप्सूल। क्योंकि क्या होता है, वीकासूल सभी की सभी इनकी गर्माइश जो होती पेट में होती है, पोटे वगैरह में जो गर्माइश इनके शरीर में होती है वो निकाल देता है, जैसे मुर्गियाँ गर्मी में इनकी मौत दर बहुत कम हो जाती है, क्योंकि गर्मी में मौत दर इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि ये तो एक गर्म होती हैं और गर्म हम अगर चीज़ें डालते हैं तो इनका जो गर्म होता है, दिमाग गर्म होकर फिर ये मर जाती है,
इसलिए आप इन्हें गर्म चीज़ें मत डालें। ये देखो माशाल्लाह मैंने पानी डाला था ना, मैंने आपको ये बताया था, देखो माशाल्लाह कैसे नहाने लग गई हैं, ये ठंडा कर रही हैं। अभी इनका शरीर का जो टेम्परेचर है बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, इनके शरीर का टेम्परेचर बिल्कुल, देखो नहा कर बिल्कुल ऐसे हो जाएंगी जैसे इनके शरीर का जो टेम्परेचर बिल्कुल मेंटेन हो जाएगा। गर्मियों के लिए कुछ ये थे नुस्खे जो आप याद रखें और करते रहें हफ्ते में एक बार, बता वाले भी बताएँ रोज़ाना वाले भी, ये तो आप रोज़ाना कर सकते हैं। मिट्टी वाला जिनके ऐसे रखे हुए हैं, जिनका खुड्डा बड़ा है खुड्डे में डाल सकते हैं, जिन छत पर कर रहे हैं वो ऐसे कर सकते हैं, जो घर के बाहर करते हैं बैकयार्ड चिकन फार्मिंग उन्हें तो ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कहीं भी पानी डाल दे बैठ जाती हैं ये, तो ऐसा करते रहें क्योंकि जानवर अगर खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे। क्योंकि अगर यही इनके साथ कुछ होगा फिर मुझे आपको दुख होगा, सभी जानते हैं हम, क्योंकि हम बर्ड्स रखते हैं अपनी खुशी के लिए शौक के लिए, तो जो बर्ड्स को भी पूरा पूरा ध्यान रखा करें ताकि बर्ड्स ठीक रहें। अभी शायद मैं भी इसे अंदर जाना है, शायद अंडा वगैरह देना होगा, इसे खोल देते हैं, ये कब की जाने को खड़ी है अंदर, शायद चली जाए। अंडे माशाल्लाह सभी की सभी देती हैं ये, ऐसा नहीं है कि एक ही अंडा देती है, अंडे ये सभी की सभी देती हैं। ये देखो मुझे पता था इसे अंडा ही देना है और ये अंडा देने के लिए अंदर भाग रही है, मुझे पता था ना ये हर बार जब अंडा देना होता है ऐसे ही भाग भाग कर जाती है। तो माशाल्लाह मेरी मुर्गियां सभी दुरुस्त हैं, ठीक हैं, तंदुरुस्त हैं माशाल्लाह। देखो ये फिर रही हैं, नहाने लग गई हैं अभी, क्योंकि मुझे पता है मैं रोज़ करता हूँ ये, इससे इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर बिल्कुल सही रहता है और ये माशाल्लाह तंदुरुस्त और दुरुस्त रहती हैं। तो आप भी करें करें हफ्ते में एक बार ज़रूर के फीका सोल या गुड़ शक्कर का पानी इन्हें डाल दिया करें ताकि इनके अंदर की गर्माइश मर जाए। सो खुडे वगैरह में और हरा चारा जो मैंने कंपल्सरी बताया था, हरा चारा इन्हें डालते रहें, रोज़ाना डालें हरा चारा। मैं दिखा देता हूँ उस तरह का हरा चारा, अभी तो मैंने छोटे वाला नहीं पड़ा, बड़े वाला पड़ा है मेरे पास, ये देखो हरा चारा ये वाला बहुत ही ज़्यादा चाव से खाती हैं, ये वाला हरा चारा डाल दिया करें। अभी तो मैंने इन्हें डाला था, फिर आगे भाग कर आ जा, तो अभी तो ये फिर रही हैं। तो इंशाल्लाह माशाल्लाह अंडा भी दिखा दिया आपको और सभी अंडे दिखा और सभी वीडियो की अपडेट आपको देते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।